एक बार चुप रहे, एक बार देखो, फूट रहा है, फूट रहा है। ये फूटी करना, और ये पॉपकॉर्न अंदर लग जाएगा। हाँ। हेलो दोस्तों, मैं एसबीआर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का अपने नए यूट्यूब चैनल के एक नए ब्लॉग में। देखो तो दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये हीटर लगा रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है देख सकते हो, सूखा मक्का। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं, आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे पॉपकॉर्न। तो देखते हैं कैसा क्या बनने वाला है। ठीक है, क्या सेक रहा है इतनी गर्मी में, आग सेक रहा है तू। बाहर देखो धूप कितनी तगड़ी हो रही है और ये आग सेक रहा है। चलो तो सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, नहीं ये छेड़खानी कुछ ज्यादा ही करता है। सोहेल बिट्टू रुको, लेके आने दो अपना बड़ा सा भगोनी। मॉम भगोनी नहीं कहा, मॉम ये रहा ना, हाई लली नू हाई लली मॉम। अब पुलाव बाद में बना लिया, पहले हमें आके बना देता तू पॉपकॉर्न थोड़ा सा। चलो तो हम लोग, और इसका ढकना किधर है मॉम, ढकना बताओ ना मॉम। चलो ये आ गया, ढक्कन दे तुगड़ी, ढक्कन कहाँ है, ढक्कन दो और नमक लाओ और थोड़ा सा दो चम्मच घी, अरे थोड़ा सा घी दे दा मां, अरे इनको ठोक दे आके दे 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 दा घी दा। पहले पॉपकॉर्न में घी डलाई तो नहीं मन लगेगा। तो गाइस घी डलता है तो अच्छा लगता है ना पॉपकॉर्न में। और ना साफ ही दे दो, ये ना कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो रहा है, समझ नहीं रहा कोई भी चीज को। घी लाना, घी और नमक फटाक से साफ ही। अरे एक मिनट के लिए चाहिए मेरे को तो। नमक नमक की थैली भी लाओ। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं कैसा क्या बनता है बताते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट हो चुका है हमारा, और मैं सबसे पहले एक बार हीटर ऑन कर देता हूँ। और हीटर ऑन करने के बाद आज पॉपकॉर्न बनना चाहिए। सोच तू दूर हो जा बिट्टू, पॉपकॉर्न में ना बहुत मेहनत लगती है, ये तो खराब हो जाएगा। मामा ये सबसे पहले मैं रख दिया इसको, चीनी तो है, चीनी नहीं है बिट्टू, चीनी कहाँ है, इसमें दो चम्मच नहीं। तो दोस्तों ये हमारा भगोनी, ये हमारा पॉपकॉर्न, इधर हमारे पास नमक और इधर हमारे पास घी। तो हम लोग दो चम्मच पहले इसमें घी डालेंगे और उसके बाद ये पॉपकॉर्न और नमक डाल के फिर उसके बाद ये जो है ना ढकना, इससे ऐसे दबा, ऐसे कसके दबा लेंगे, जो इसके अंदर की गैस है ना इसके अंदर ही रहनी चाहिए। और फिर इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे, तो उसके बाद जैसे गर्मी होगी ना तो उसके बाद ये हमारे पॉपकॉर्न ऐसे फूटना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना सोहेल, पहली बार देख रहे हैं ना तू ऐसे बनाते हुए। हाँ तो चलिए, तो दोस्तों मैं अभी इसके अंदर नमक डाल चुका हूँ, कैमरा में नमक दिखा दो इसके अंदर, तो ये देखो इसके अंदर नमक। अब डालता हूँ मैं इसके अंदर पॉपकॉर्न। कोई बात नहीं, तो वो बोलेगा नहीं। तो और इसके अंदर अब अपन डालते हैं थोड़ा सा घी, उम्मीद है हमारा पॉपकॉर्न बन जाना चाहिए, है ना साहिल। दिखाओ ये हमने इसके अंदर डाल दिया है घी, अब इसको हम लोग ढक के इसको रख सकते हैं आराम से। चलो हाँ, खुशबू भी आने लगी गर्मा गर्म की। चलो अब इसको हम ढक देते हैं, उसके बाद हमारे पास ये है कपड़ा और इसको इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको फिर ऐसे ऐसे हिलाएंगे। लेकिन उससे पहले इसमें बहुत गर्मी हो जान दो, इसके अंदर गर्मी होगी ना तब इसका फूटेगा ये। मेरे को तो दिखाई नहीं रहा, देखते हैं आज हमारा मतलब पॉपकॉर्न बन पाता है कि नहीं बन पाता। तो दोस्तों अभी काफी समय के बाद हमारा पॉपकॉर्न ना एक एक फूटना स्टार्ट हो गया है ना, ना? देखो दोस्तों मैं सुनाता हूँ आपका आवाज, देखो मामा। देखना आवाज सुनाई देगा इसमें मामा। एक बार चुप रहे, एक बार देखो फूट रहा है, फूट रहा है, ये देते फूटी करना और ये पॉपकॉर्न अंदर लग जाएगा। हाँ अरे हाँ, तो इधर इधर दोनों इधर आओ, दोनों इधर आओ, मैं इसको ना दबा रखा हूँ। इसका ढकना मैंने चेंज कर दिया, पहले ढकना देखो ये हो रहा था काफी बड़ा ढकना था, अब मैं इसका फिक्स का ढकना ले लिया और अब इसमें गर्मी पैदा हो रही है, जब जगह फूटेगा ये। और तो इधर बैठ के सुनेंगे, पता खुशबू भी आ रही है बाहर। चलो ये बन जाएगा ना जब मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाना ये साइड से नहीं बन पा रहा बढ़िया से वीडियो। अभी एक साथ नहीं फूट रहे हैं, अभी धीरे धीरे फूट रहे हैं, देखते हैं बन पाता है नहीं बन पाता। तो दोस्तों अभी हमारा फाइनली हमारा पॉपकॉर्न ये आ चुका है और अब हम लोग खा रहे हैं। कैसा लग रहा है तुम दोनों को, सॉरी तो देखो बता दे कैसा लगा, बनाया काफी अच्छा लगा हमारे को। तो हमारा ये मिशन तो सक्सेस हो गया, पिज्जा वाला मिशन हमारा फेल हो गया था। तो आई होप आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी पॉपकॉर्न वाली, इस हीटर पे हम लोग बनाए थे। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं फिर से कोई इंटरटेनमेंट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए।